हेलो दोस्तों, मैं सिवाय सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, पूरा एंड तक देखना है और अंत में बताइएगा कि 10 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही मैथ्स और रीजनिंग की भी वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड बटन को दबा करके बेल आइकन ऑन कर लेना, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे और उस 5 से 7 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ऑप्शन है 6, 5, 4 और 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 7 होगा। 2000 में झारखंड निर्माण के बाद 7 लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है, जिनमें जिनके नाम प्रमुख है बाबूलाल मारांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, फिर हेमंत सोरेन, फिर रघुवर दास और उसके बाद हेमंत सोरेन अगेन होगा, जो वर्तमान में झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन है 3, 2, 1 और 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर 3 होगा, क्योंकि झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सबसे पहले 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उसके बाद 1 जून 2010 को राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन राज्यपाल थे। तो सब अगर आपको पता नहीं है तो फिर ये सब क्वेश्चन छूटने का या फिर रॉन्ग होने का चांस बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9 होगा, क्योंकि वह 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद 9 लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है प्रभात कुमार का, वे झारखंड के प्रथम राज्यपाल भी थे, उसके बाद विनोद चंद्र पांडे, फिर एम रामा जोइस, उसके बाद वेद प्रकाश मारवाह राज्यपाल बने थे, उसके बाद सैयद सिप्ते रजी, फिर के शंकर नारायण, उसके बाद MOH फारूक और 8वें नंबर पे थे सैयद अहमद, उसके बाद 9वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल बने। वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू ही झारखंड के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है या कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है सदालो ब्लेयर्ड, नेक्स्ट है रिचर्ड ब्रॉडमैन, नेक्स्ट है एंड्रयू बर्नर्ड और लास्ट ऑप्शन है जॉर्ज मैथ्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट सदालो ब्लेयर्ड थे। सरकारी या गैर सरकारी भवनों को डिजाइनिंग निबंधित आर्किटेक्ट ही कर सकते हैं, तो राइट आंसर सदालो ब्लेयर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है। ऑप्शन 1 है चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया होगा। झारखंड में HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया। झारखंड के रांची जिले के हटिया के समीप यह स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज
संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस, ब्रिटेन। डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ऑप्शन बी होगा या सी होगा, पूर्व चेकोस्लोवाकिया होगा या रूस होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसको एफपीपी बोलते हैं, एफएफपी बोलते हैं, और ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया सहयोग से बनाया गया था। ये वास्तव में एचईसी का ही एक पार्ट है जिसमें भारी मशीन या औजार का निर्माण होता है, लोहा गलाने के लिए और विशेष आकृति में ढालने का काम संपन्न होता है एफपीपी में, फाउंड्री फोर्ज प्लांट इसको बोलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन वन है बोकारो, नेतरहाट, रांची, जमशेदपुर। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, नेतरहाट, क्योंकि छोटा नागपुर की रानी रानी के नाम से विख्यात है नेतरहाट, और ये हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई 3622 फीट जो है समुद्र से है। यहाँ पर जो है सो सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है, कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। कई बार इससे अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। ऑप्शन वन है बोकारो, ऑप्शन बी है लातेहार, सी है जमशेदपुर, डी है पलामू। तो राइट आंसर इसका लातेहार होगा, क्योंकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ बाघ परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बोकारो जिले का बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन है 1980, 1987, 1890, 1991। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बोकारो जिलों को बोकारो को जिला का दर्जा 1991 में धनबाद के 2 प्रखंड और गिरिडीह के 6 प्रखंड को काटकर प्रदान किया गया था। यानी कि ये धनबाद का 2 ब्लॉक और गिरिडीह का 6 ब्लॉक को मिला करके बनाया गया था बोकारो जिला वर्ष 1991 में। इसका क्षेत्रफल लगभग 2861 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आया भी है, कि बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है इनमें से। ऑप्शन है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी लुगु बुरु, ऑप्शन डी करिया मंडप। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसका लुगु बुरु होगा। लुगु बुरु बोकारो जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, संथालों के आदि गुरु, संथालों के संथाल जनजाति के आदि गुरु भी थे। लुगु बुरु ने आज से 3000 वर्ष पूर्व मांझी परगनाओं का कार्यशाला आयोजन कर सामाजिक व्यवस्था हेतु नियमों का निर्माण किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसका होगा लुगु बुरु। डियर स्टूडेंट्स, अब समय है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में है। ऑप्शन वन बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी दुमका। दोस्तों, अभी तक जितने भी झारखंड से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुकी है, मैंने उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां जाके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि